आपने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसकी वीर गाथा भी चेतक से कम नहीं है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जो दुश्मनों के लिए अकेला कई योद्धाओं के बराबर था। वो अपनी सूंड में तलवार लपेटकर चलाता और सामने आने वाले हाथी घोड़ों को गाजर मूली की तरह काट डालता। हल्दी घाटी के युद्ध में उसने अकेले अकबर के 13 हाथियों को मार डाला। इससे बादशाह इतना खौफजदा हो गया कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भले ही इस युद्ध में राणा प्रताप बच जाए, लेकिन राम प्रसाद किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। उसने सैनिकों को सबसे पहले राम प्रसाद को मारने का हुक्म सुना दिया। राम प्रसाद को पकड़ने के लिए 7 हाथियों का चक्रव्यूह रचा गया था, जिन पर 14 महावतों को बैठाया गया। भयंकर गजयुद्ध हुआ, जिसमें राम प्रसाद ने अकबर के 3 हाथियों को मार गिराया। इसके बाद अकबर के सैनिकों ने राम प्रसाद को छोड़ उसके महावत को निशाना बनाया और उसे विषैले तीरों से बिद डाला। महावत की मृत्यु होते ही राम प्रसाद को बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया गया। राम प्रसाद को देखकर अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राम प्रसाद को अपना निजी सवारी घोषित कर उसका नाम पीर प्रसाद रखा और उसके खाने पीने की शाही व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। लेकिन महाराणा के गम में दुखी राम प्रसाद ने 18 दिनों तक खाना ही नहीं खाया। अकबर इससे काफी क्रोधित हो गया। फिर शुरू हुआ यातनाओं का एक भयंकर दौर। राम प्रसाद को भालों से छलनी कर उस पर नमक छिड़का गया। उसे रात भर सोने ही नहीं दिया जाता। इतनी यातनाओं के बाद भी राम प्रसाद ने शाही गद्दी को अपनी पीठ पर लदने नहीं दिया। 18 दिनों तक कठोर यातनाएं सहने के बाद आखिरकार राम प्रसाद ने अपने प्राण त्याग दिए। राम प्रसाद की मौत के बाद अकबर ने कहा कि जिस राणा के हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, भला उस महाराणा प्रताप को कैसे झुकाऊंगा।